डीजे साउंड मुड़िया कठुमर से ढोलक पे संगति कर रहे हैं हमारे भाई सुरेंद्र नंगला पछांद्रा से पेड़ पे संगति कर रहे हैं भैया प्रेम सिंह अबार सोगर से और गायक कलाकार है कौशल चौधरी भौसिंगा से और मंच का संचालन कर रहे हैं आदरणीय हमारे गुरुदेव बद्री पीटीआई जी मैथना से आइए आप जैसे विद्वान लिख रहे हैं और क्या कहा सोते गए हम को ज्ञान हमें परवाह नहीं उनकी उन्हें परवाह हमारी है हमारी नाभि का रक्षक वो सुदर्शन चक्रधारी है। आइए भैया एक वीर जवान कह रहा है पाकिस्तान से बॉर्डर पे खड़ा हुआ और कह रहा है सुन पाकिस्तान और मेरे बाद नंबर आवेगो भैया जल सिंह बटावली मैं कह रहा हूं बटावली वारे थे सुन लीजो क्या हर कहे जवान ठानी ठान और सुन ले पाजी पाकिस्तान क्या अरे कहे जवान ठानी ठान और होश में आ जा पाकिस्तान और अब की बार जाओ और जंग बही तेरा नाम निशान ना होगा सुन रहा है क्या की बार जो जंग बही तेरा नाम निशान न होगा और दुनिया के नक्शे में ये तेरा पाकिस्तान न होगा दुनिया के नक्शे में ये तेरा पाकिस्तान न होगा अरे आतंकी जो भेजता है हमारे इस देश के अंदर तुझे मालूम नहीं है ये देश वीरों की गिनती में आता है हमारे वीर अपने प्राणों को नौछावर कर देते हैं देश पर क्या ये रे आतंकी जो तूने पाले और वो है नागो वो है नागो पानिया काले और एक नाग और आगो तुम्हारे गांव में पोनिया वो है नागो पानिया काले और भैया और अभिनंदन चाचे वीरों का ऐसे ऐसे वीरू है अभिनंदन क्या
श्रोताओं चलते हैं एक प्रसंग की ओर। क्या प्रसंग समय का है? आज मैया कुंती पांच बाणों को लेकर चली गई, अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। युद्ध क्षेत्र के अंतर्गत जैसे ही अर्जुन ने बाण छोड़ा, अर्जुन के बाण के प्रहार से अंगराज करण का रथ का पहिया धरनी में समा गया सरदार वाज। और जैसे ही धरनी में समाया पहिया, श्रोता बंधुओं दूसरी तरफ देखा, अर्जुन ने गांडीव को अलग डाल दिया। आहा, जैसे ही अलग डाला गांडीव को, प्रभु कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन क्या कर रहा है तू? प्रभु आप देख नहीं रहे हो, करण का रथ का पहिया धरनी में धसा हुआ है और धर्म की दुहाई दे रहा है वो। करण कह रहा है, वो अर्जुन मेरा रथ का पहिया धरनी में समाया हुआ है, अगर तूने मेरे ऊपर बाण छोड़ दिया तो ये धर्म के खिलाफ होगा, नियम के खिलाफ होगा। आहा श्रोताओं, भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तू इसकी बातों में आ गया, तुझे मालूम नहीं तेरे साथ इन दुष्ट कौरवों ने क्या क्या नियम और धर्म निभाए। अर्जुन कह रहा है, मेरे साथ? हाँ अर्जुन तेरे साथ, सुन मैं बताता हूं युद्ध के नियम, तेरे साथ इन दुष्ट कौरवों ने क्या क्या नियम और धर्म निभाया, सुन क्या कह रहा है। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, सुन अर्जुन, अरे चलो गांडीव अपना, और अर्जुन मेरे भैया, और सुन रहा है, सात जनिन और सात जनिन और घेरा कमारो घेरा हो किलो भैया। मालूम है
लेकिन आपके गांव में गायक आए हुए हैं भैया जल सिंह क्या, और प्रश्न कर रहा हूं उनसे, कह रहा हूं क्या, बेटा ने बाप को खायो ये कहानी किस काल की। भैया जल सिंह सुन रहे हैं आप यहाँ पे क्या, बेटा ने बाप को खायो ये कहानी किस काल की, ये कोने बाहर निकालो। भैया सुन लेना प्रश्न है आपसे, क्या करा प्रश्न, बेटा खाएगा बाप खाएगा, कैसे, बेटा ने बाप को खायो ये कहानी किस काल की, ये किसने बाहर निकालो, ये किसने बाहर निकालो, उलझन है इस बात की, और बेटा ने बाप को खायो कहानी किस काल की। Come on.
लगैया, रोए रो के कह रहे हो बानी, और करण सुन तेरी अब ना बचे। आहा, जैसे ही ये बात मामा सल ने करण के सामने कहीं, करण कह रहा है क्या बात कर रहा है मामा, हाँ तू मेरे से पूछ रहा है तो उस दिन को याद कर जिस समय तूने कीचड़ में फंसी गायों पे बाढ़ छोड़ी थी, जिसके गायों के श्राप से तेरा रथ का पई अथनी में समाया हुआ है आज। श्रोताओं ध्यान दिया, हाँ मामा मेरे से एक गलती जरूर हो गई थी, लेकिन वो कहते हैं कि मर्द उसी को कहते हैं जहां अड़ जाए वहां अड़ जाए, एहसान किसी का मोल ले चाहे धड़ से शीश। रथ से नीचे आ गया वो करण और भैया कोशिश कर रहा है, ढोला में जवाब दे रहा है, क्या कह रहा है सुन। मतलब पर ये पे गदा मौसा बना ले, मतलब ही है राजस्थानी धुन आ रही है, राजस्थानी क्षेत्र है और राजस्थान को ही छोड़ रहा हूं, भरतपुर जिले को हूं, धुन क्या करी भैया क्या बात है। ये रे तू ही तू ही तू ही तू ही दिख रहा है, तू ही तू ही दिख रे, ये है तर्ज। और आजकल को समय चल रहा हो ना, ये चल रहा कलयुग, देखिए गाना क्या कह रहा है। अरे सुन ली जोरे भाया, अरे चाचा हमारा सुन ली जोरे भाया, भाया माने भैया राजस्थान की भाषा है, सुन ली जोरे भाया, अरे भैया हमारा सुन ली जोरे भाया, ये कैसो रे कैसो रे कैसो आयो है जमानो, और तुम सुन ली जोरे भाया, क्या
भाई भाई की बात न माने आजकल भैया भैया से मतलब ना रख रहो क्यों अरे भाई भाई की बात न माने साडू बना लियो भैया भैया गयो तेल लेवे कोई जरूरत ना है क्यों आजकल चाहिए घरवारी को जीजा लगे ना अंदर जीजा निकिंगे हेलो फोन करके हेलो भाई साहब हैप्पी न्यू ईयर हैं मैं कल दुकानें चालू कर रहा हूँ बताओ कहा सलाह है तैयारी बड़े भैया ते सलाह ना ले साडू के ढंग पहुंच गो ये भाई भाई की बात न माने साडू बना लियो भैया और माँ बाप की करे ना सेवा सास बना ले भैया रे कैसो आयो है जमानो और तुम सुन ली गरे भाया देखो ससुराल में पहुंचेंगे ससुराल में नादार झुकेंगे मुझे से मम्मी जी गुड मॉर्निंग हैं जाने जन्म दियो 9 महीना रखो पेट में बातें कह रहे ओए डोकरी चुपचाप बैठी रहे और सास से कह रहे मम्मी जी बहन भांजी घर पे आ जाए देना 1 रुपया कोई छोरी छापरी पीटीआई जी महीना में आ जाए ना चक्कर लगावे कोई छोरी छापरी भांजी छाती फट जाएगी जो कहेगी भाई वो तो पहली कोरोना खाएगा याकूब बिना खाते लाऊं बहन भांजी घर पे आ जाए देना 1 रुपया और छोटी सारी घर पे आ जाए दिन भर चले कर रहिया रे कैसो आए